तुमको ना खाना दाना सब अच्छा लग, यहाँ पे आके हम लोग अपना मिलन कर लेंगे, तुम एकदम फिट हो जाओगे, ठीक ना? तो हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बाबा। अब थोड़ा एनर्जी आया है, का है ना कि काम करते करते बाबा को थकान हो जाता है। सुबह से बैठता है बाबा, लोग आते हैं, किसी को सुखंडी पकड़ा हुआ है, किसी को नजर लग गया है, किसी का मतलब क्या क्या समस्या हो गया है, किसी को भूत पकड़ा हुआ है, किसी को जो है कि चुड़ैल पकड़ा हुआ है। और बाबा कितना मेहनत करे, बाबा को तो भोजन करने का समय नहीं मिलता है, लोग समझता नहीं है इस बात को। अब थोड़ा सा आराम मिला है। हाँ, ये कौन आ रहा है? लग रहा है ये भी आ रहा है। अब इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद से भोजन करेंगे, आराम से चेताएंगे। आ जाओ, आ जाओ, कुछ कमाई और बन जाएगा, क्या करना है, आ जाओ। आओ आओ बच्चा, बैठो बैठो, बैठ जाओ। अरे मस्त रहो, खूब दंदनात रहो, बुलाओ बाबा जी को। अरे दंदनात रहो, दंदनात रहो बच्चा। सुबह से बाबा ना भोरे भोरे से स्नान ध्यान करके बैठता है, और यहाँ पे मरीज पे मरीज, मरीज पे मरीज आते रहते हैं। और बाबा को थोड़ा सा आराम मिला है तो थोड़ा नाश्ता किया है, अब सोचा है बाबा भोजन करने के लिए, तब तक तुम लोग आ गए तो ठीक है, अब तुम लोग को भी देख लेता है बाबा ना, उसके बाद से आराम से भोजन करेगा। तो मतलब का चले हो हमारे पास, कुछ बताओ। अरे बाबा जी, हाँ ये मेरी भैया साली है। अच्छा, ये तुम्हारी भैया की साली है? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, ये तो बहुत झकास है, सुंदर है, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है, झकास। हाँ, हाँ। वही बहुत परेशान रहती है, कुछ भी सुना बोलती रहती है। अच्छा अच्छा, पागलों से व्यवहार करती है। हाँ हाँ हाँ, कभी चलती है कभी उधर। हाँ, इसको सुबह से ढूंढते फिरते रहते हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ पे खाना भी नहीं खाते बाबा जी, खाना नहीं खाते, परेशान कर दी घर में। हाँ हाँ हाँ, बाबा जी यही समस्या। समझ गए जो बात है ना, तुम्हारा बच्चा वो समझ गए कि इसको क्या परेशानी चल रहा है। और इसको ना एक बात बताओ बच्ची, कि तुम थोड़ा फिल्म उलम ज्यादा देखती हो का? हाँ। देखती हो ना? हाँ हाँ हाँ। और बच्चा इसके, हाँ, इसका शादी का व्यवस्था अभी नहीं हुआ है? नहीं बाबा जी, नहीं। अच्छा अच्छा, अब सोच अगले साल कर दे इसको। हाँ हाँ हाँ, जवान हो गई है। हाँ 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 हाँ, अब तो एकदम चकाचक शादी करने वाली हो गई। हाँ हाँ, तो उका है ना हरदम ऐसे मायूस रहती है? हाँ भाजी, बहुत परेशान रहती है, मायूस रहती है। बच्ची इतना हसीन बच्ची है और मायूस रहती है, थोड़ा ये मुस्कुराती रहती, थोड़ा मतलब चंचल रहती तो कितना अच्छा लगता। क्या करें बाबाजी, इसी में परेशान हैं, ठीक है, हंसी उड़ गया सब। हाँ हाँ हाँ, उका है ना मेरे पास आ गए ना, तो हम इसको ठीक कर देंगे। हम इसका आपके पास लाए। हाँ हाँ हाँ, इसका बीमारी थोड़ा थोड़ा हम पकड़ लिए हैं, और बीमारी जो बचा है ना हम पूछ ले रहे हैं, इसका मतलब सही से इलाज कर दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्ची, उका है ना कि ये तुम्हारे मतलब तुम्हारे जीजा का भाई है ना, तो इसके सामने बताने में कोई दिक्कत तो नहीं ना है बच्चा? एक काम होता है ना कि सबके सामने सब बात लोग नहीं बता पाते हैं। आपकी बात सही बाबा जी, तो इससे जो हमको पूछना है ना, हो सकता है कि तुम्हें देखकर ये नहीं सही सही बता पाए, तो एक काम करो ना, थोड़ा सा हट जाओ, मैं इसका बीमारी पूछ ले रहा हूँ और तुमको उपाय बता रहा हूँ, एकदम फिट हो जाएगी। ठीक है जी, पूछिए। हाँ 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 हाँ, चलो। हाँ हाँ हाँ, जाओ बच्चा, अभी बुलाएंगे तब आना, बीच में मत आना, ठीक है बाबा। हाँ जाओ बच्ची, वो तुम्हारे जीजा का जो भाई था ना, उसको हम हटा दिए, समझती हो काहे लिए, कि तुम्हारे बीमारी का जो मतलब जड़ है उसको पकड़ने के लिए। और तुम मतलब इतना हसीन जवान सुंदर लड़की हो,
और तुम ऐसा व्यवहार करोगी तो घर के लोग तो परेशान होंगे ना। तो वो बच्चा बता रहा है कि इसका मतलब कहीं से इलाज होता है सही नहीं होती है, ठीक ना। तो तुम दवा खाते खाते परेशान हो गई हो, लेकिन बाबा के पास आ गई ना, बाबा बिल्कुल ठीक कर देगा, टेंशन नहीं लेना। वो का है ना कि रात में जब तुम सोती हो तो तुम्हारे पास सपना में कोई हीरो उरु जैसा दिखाई देता है, आता है ना सपना में। अब तुम्हारा बीमारी का जड़ हम पकड़ लिए, ठीक ना। अब धीरे धीरे वो का है ना कि तुम मतलब दिन में चाहे रात में कहीं भी जाती आती हो तो थोड़ा तुमको मतलब किसी से प्यार करने का इच्छा होता है ना, होता है ना। हाँ समझ गए समझ गए। थोड़ा अपना हाथ ऐसे करो, वो भी हाथ करो। हाँ बच्ची, जो बाबा पूछ रहा है ना वो सही सही बताना। ऐसे जब हम कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी शरीर में कुछ आ रहा है, कुछ हुड़बुड़ाहट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। पकड़ लिए पकड़ लिए। तुम्हारा बीमारी हम पकड़ लिए। बच्ची तुम खाना नहीं खाओगी ना, तू देखो तुम्हारा जो शरीर का खून बनता है ना वो खत्म हो रहा है, तुम जल्दी से मर जाओगी, क्या फायदा होगा। और बाबा जो कह रहा है ना वैसा करती जाओ, तुम्हारा परेशानी एकदम ठीक हो जाएगा। समझ गई बात को ना। तुमको ऐसा ध्यान लगाएगा कि तुम्हारा अभी का अभी बीमारी दूर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन बाबा जो कह रहा है करना पड़ेगा। तो वो तुम्हारे जीजा का भाई है, उसको तो हम हटा दिए ना। तो एक काम है ना कि इस मतलब पेड़ के पीछे चलो तुमको हम झाड़ लगाते हैं और तुम एकदम बिल्कुल एकदम फिट हो जाओगे। हाँ चलो ना, चलो यहीं पे रहने दो और सब, चलो हमारे साथ आओ। अब बाबा जैसा इधर आओ ना, अब बाबा जैसा जैसा कह रहा है ना वैसा वैसा करती जाओ, एकदम तुम फिट अभी से अभी चंचल हो जाओगे। तुमको ना खाना दाना सब अच्छा लगने लगेगा। अरे बात नहीं समझ रही हो, वो जो सपना में तुम्हारा हीरो आता है ना और तुमको मतलब दिन रात कहीं रहती है तो प्यार करने का इच्छा होता है ना, बस वही कमी है तुम्हारे अंदर। और ये बात किसी को नहीं बताना है, ठीक ना। जब भी ऐसा इच्छा हो ना तो बोल देना कि मैं जा रही हूँ बाबा के पास, झाड़ फूक करा के आ जाऊंगी और यहाँ पे आके हम लोग अपना मिलन कर लेंगे, तुम एकदम फिट हो जाओगे, ठीक ना। तो हो जो हो रेडी ना, तैयार ना, आ जाएगी ना। कहा वो, अरे उसको तो हम हटा दिए हैं, ठीक ना। तो तुम रेडी हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाबा कहाँ तुम बाबा? अरे तो तुम्हारे का भाई आ गया। अभी तो तुमको हम ठीक से झाड़ भी नहीं लगा। कहाँ गए आप लोग? लेकिन ऐसा है ना कि जितना भी समय मिला है उतना में कुछ अब हल्का लग रहा है ना। चलो बाबा जी के पास चलो। कहाँ गए? चांदी, अरे आ गई आ गई बाबा। अभी क्या करेगा बाबा? अरे नहीं समझता है, बैठो बैठो मैं बता रहा हूँ। उसका है ना इसका बीमारी बहुत जटिल था। अच्छा बहुत जटिल था। तुम ना कहीं भी कितना भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज करा लोगे ना ये ठीक नहीं हो पाती। लेकिन जो आज मैं इलाज किया हूँ ना इसका, अब एकदम पूछो हल्का हो गया है कि नहीं पूछो। चांदनी कैसा है तबीयत? ठीक है देखो। ठीक है हाँ। तो हम कहे हैं ना बाबा के पास आओगे तो इसका इलाज मैं सही से कर दूंगा। अब जो है ना ये घर जाएगी, खाना भी खाएगी, सबसे हंसेगी बोलेगी, एकदम फिट रहेगी। एकदम मैं ठीक कर दिया हूँ। हाँ जाओ, लेकिन एक काम है ना बच्ची, तुमको जब परेशानी समझ में आए तो तुम बाबा के पास आ जाना, ठीक ना। आज तो सही से पूरा इलाज नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद से आओगी ना तो एकदम भरपूर पूरा इलाज कर देंगे। नहीं हम इसको समझा रहे थे ना कि जब मतलब ऐसा परेशानी हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे बाबा के पास आने की जरूरत है। हाँ 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 चलते हो। हाँ हाँ एकदम ठीक कर दिए हैं। अरे बोल चल छोड़ो। हाँ हाँ अरे मस्त रहो, दंदनात रहो दंदनात रहो। हाँ खूब मस्त रहो बच्चा। हाँ हाँ क्या
लड़की मिली थी बाबा के जीवन में। क्या करें, इस बीच में आ गया ये लफंगा ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन हम उसको समझा दिए हैं, आएगी, फिर से आएगी।